नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में अमेरिका की प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ गोलमेज बैठक की। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने का आग्रह किया। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने निजी तौर पर बच्चों से संबंधित अश्लील वीडियो देखना पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत अपराध बताया। श्रीलंका में नेशनल पीपल्स पावर पार्टी के नेता अनुराग कुमारा दिसानायके ने आज 9वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली और किरण राव द्वारा निर्देशित फिल्म लापता लेडीज ऑस्कर 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री ने कहा है कि 21वीं सदी प्रौद्योगिकी की सदी है। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी और लोकतंत्र के बीच संतुलन समय की मांग है। प्रधानमंत्री ने मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग स्कूल द्वारा आयोजित न्यूयॉर्क में अग्रणी प्रौद्योगिकी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ हुई एक गोलमेज बैठक में यह बात कही। उन्होंने कहा कि तकनीक के बगैर लोकतंत्र संकट का वातावरण सृजित करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत प्रतिभा, लोकतंत्र और बाजार का एक देश है। शायद ही जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा होगा जिसको अब टेक्नोलॉजी ड्राइव न करती हो, लेकिन ऐसे समय में टेक्नोलॉजी प्लस डेमोक्रेसी, इसका एक संतुलन बहुत जरूरी है, क्योंकि डेमोक्रेटिक वैल्यूज और टेक्नोलॉजी का मिलना मानव कल्याण की गारंटी देता है, एक विश्वास पैदा करता है। टेक्नोलॉजी माइनस डेमोक्रेसी किसी भी संकट के लिए एक वातावरण पैदा कर देता है। और भारत एक देश है जिसके पास टैलेंट भी है, डेमोक्रेसी भी है, मार्केट भी है। प्रौद्योगिकी उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वे उन्हें हमेशा आत्मनिर्भर और सशक्त भारत की विकास यात्रा में सहयोगी यात्री और साझेदार के रूप में देखते हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भारत और अमेरिका की प्रौद्योगिकी कंपनियां एक साथ मिलकर वैश्विक चुनौतियों से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सरकार ने सेमीकंडक्टर उद्योग में 15 बिलियन डॉलर का निवेश किया है। भारत को भी इस क्षेत्र में विश्व से विशाल निवेश प्राप्त हो रहा है। सेमीकंडक्टर की दुनिया में हम जो पॉलिसी लाए हैं उसको बहुत ही स्वागत हो रहा है। करीब करीब सभी इस क्षेत्र के लोग भारत में आने की दिशा में आकर्षित हो रहे हैं और उसके लिए जो बेसिक नीड्स की जरूरत है उसमें हम पूरी तरह तैयार हैं, चाहे पॉलिसी की बात हो, वहां पर आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का सहयोग हो, इन सभी चीजों में हम साथ में हैं। श्री मोदी ने कहा कि उनके तीसरे कार्यकाल में भारत विश्व में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के हर संभव प्रयास करेगा। उन्होंने कहा कि अग्रणी कंपनियां विश्व के लिए भारत में सह विकास, सह डिजाइन और सह उत्पादन कर सकती हैं। ये कंपनियां भारत की आर्थिक और प्रौद्योगिकी उन्नति के अवसर का लाभ उठा सकती हैं। श्री मोदी ने बौद्धिक संपदा के संरक्षण के प्रति भारत की वचनबद्धता को लेकर उद्योगपतियों को आश्वस्त किया और प्रौद्योगिकी नवाचार को बढ़ावा देने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने भारत में विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी, विनिर्माण, सेमीकंडक्टर, जैव प्रौद्योगिकी और हरित विकास के क्षेत्र में आर्थिक परिवर्तन का उल्लेख किया। श्री मोदी ने भारत को जैव प्रौद्योगिकी पावर हाउस के रूप में विकसित करने के लिए भारत की बायो E3 नीति पर भी चर्चा की। भागीदारी करने वाले मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत के साथ सहयोग करने और निवेश में गहरी रुचि दिखाई। वैश्विक प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में भारत की बढ़ती प्रभुता नवाचार अनुकूल नीतियों और बाजार के बढ़ते अवसरों से प्रेरित है। प्रौद्योगिकी उद्योगपतियों ने इसकी काफी सराहना की। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप में निवेश भारत में नवाचार और नई प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए एक सुअवसर होगा। इस गोलमेज बैठक में अडोब के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी शांतनु नारायण, गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचाई, आईबीएम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरविंद कृष्णा, एएमडी के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीजा सू और एक्सिंगर के अध्यक्ष जूली स्वीट शामिल थे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने सदियों पुराने बहुआयामी और निरंतर बढ़ते भारत नेपाल संबंधों के सभी क्षेत्रों में आपसी सहयोग मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कुवैत के युवराज शेख सबा अल खालिद अल सबा के साथ भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि बातचीत लाभदायक रही और दोनों नेताओं ने औषधि, खाद्य प्रसंस्करण, तकनीक, ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में भारत तथा कुवैत के संबंधों में नई जान डालने के उपायों पर विचार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने फलस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। श्री मोदी ने गजा में मानवीय स्थिति पर गहरी चिंता प्रकट की और फलस्तीन के लोगों को भारत की निरंतर सहायता का संकल्प दोहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजाद संयुक्त राष्ट्र महासभा में भविष्य के शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सम्मेलन की थीम है बेहतर कल के लिए बहुपक्षीय समाधान। सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री विश्व के विभिन्न नेताओं से आपसी हित के मुद्दे पर द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। इस चरण में पांच जिलों की 26 विधानसभा सीटों पर 25 सितंबर को मतदान होगा। दूसरे चरण में जम्मू के रियासी, राजौरी और पुंछ तथा कश्मीर घाटी में श्रीनगर और बडगाम जिले में वोट डाले जाएंगे। इनमें से 11 सीटें जम्मू संभाग के 3 जिलों में हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 3 चरणों में कराए जा रहे हैं। वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी। इस बीच राजनीतिक पार्टियों दूसरे और तीसरे चरण के लिए प्रचार तेज कर दिया है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज पुंछ में जनसभाओं को संबोधित किया। हरियाणा में 5 अक्टूबर को एक ही चरण में विधानसभा चुनाव होंगे। विधानसभा सीटों की विशेष श्रृंखला में आज हम डबवाली विधानसभा सीट के बारे में बात कर रहे हैं। डबवाली विधानसभा क्षेत्र सिरसा लोकसभा क्षेत्र में है। यह शहर हरियाणा और पंजाब की सीमा पर स्थित है। इस सीट पर दबदबा हमेशा चौटाला परिवार का रहा है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल का पैतृक गांव चौटाला भी डबवाली विधानसभा क्षेत्र में है। इस बार चौधरी देवीलाल के पोते आदित्य चौटाला भाजपा छोड़कर इंडियन नेशनल लोकदल में शामिल होकर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं जननायक जनता पार्टी के दिग्विजय चौटाला उम्मीदवार हैं। आम आदमी पार्टी से कुलदीप गर्दाना और 2019 से यहां से विधायक चुने गए कांग्रेस के अमित सिहाग, भारतीय जनता पार्टी से बलदेव सिंह, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया से कुलबीर सिंह, भारतीय शक्ति चेतना से धनाराम आजाद इस बार मैदान में हैं। डबवाली विधानसभा क्षेत्र में 213 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। आकांक्षा सक्सेना, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़। झारखंड के रांची में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग की एक टीम 2 दिन के दौरे पर है। इस टीम में चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू भी शामिल हैं। आयोग की टीम भाजपा, कांग्रेस और सीपीआईएम सहित 6 राष्ट्रीय दलों और 3 क्षेत्रीय दलों झामुमो, राजद और आजसू के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर रही है। राजनीतिक दलों के साथ बैठक के बाद चुनाव आयोग की टीम प्रवर्तन एजेंसियों के अधिकारियों के साथ बैठक करेगी। चुनाव आयोग की टीम कल सभी 24 जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों, मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ चुनाव तैयारियों की समीक्षा करेगी। झारखंड में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि बच्चों से संबंधित अश्लील वीडियो देखना पॉक्सो अधिनियम का उल्लंघन है। शीर्ष अदालत ने देशभर की सभी अदालतों से कहा है कि वे किसी भी न्यायिक आदेश या फैसले में चाइल्ड पोर्नोग्राफी शब्द का प्रयोग न करें। एक रिपोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय ने आज ये निर्देश मद्रास उच्च न्यायालय के एक फैसले को रद्द करते हुए दिए। मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले में कहा गया था कि बच्चों से जुड़ी अश्लील वीडियो देखना पॉक्सो अधिनियम के दायरे में नहीं आएगा। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला के फैसले में सुझाव दिया गया है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी के स्थान पर न्यायालय बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री CSEAM शब्द का प्रयोग करें। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि संसद को वैकल्पिक शब्द पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और इस बीच केंद्र सरकार पॉक्सो अधिनियम में संशोधन के लिए अध्यादेश ला सकती है। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि भारतीय सेना को मजबूत करने में सैनिक स्कूल महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। श्री सिंह ने आज जयपुर में नए सैनिक स्कूल के उद्घाटन समारोह में कहा कि राजस्थान अपनी संस्कृति और वीरता के लिए जाना जाता है। वर्तमान शिक्षा सत्र में इस सैनिक स्कूल ने काम करना शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पिछले सप्ताह आतिशी और उनके मंत्रिपरिषद को पद की शपथ दिलाई थी। आतिशी कालकाजी विधानसभा सीट से विधायक हैं। वे भाजपा की सुषमा स्वराज और कांग्रेस की शीला दीक्षित के बाद दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बन गई हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में दुष्कर्म तथा हत्या के मामले में पानीहाटी उत्तरी 24 परगना से तृणमूल कांग्रेस के विधायक निर्मल घोष से पूछताछ कर रही है। निर्मल घोष को आज सीबीआई कार्यालय बुलाने के लिए समन भेजा गया था। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत के आज 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के रांची में आज ही के दिन वर्ष 2018 में इस योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का लक्ष्य प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना है। इस योजना का लाभ 12 करोड़ 37 लाख परिवारों के लगभग 55 करोड़ लोग ले रहे हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि पिछले 6 वर्ष में इस महत्वाकांक्षी योजना ने करोड़ों लोगों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि इस योजना द्वारा आम जनता को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाया जा रहा है। एक रिपोर्ट। पिछले 6 वर्षों में इस योजना से लगभग 8 करोड़ लाभार्थियों ने कैशलेस उपचार का लाभ उठाया है और इस पर सरकार द्वारा 1,07,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं। इस योजना के तहत लगभग 13,000 निजी अस्पतालों सहित 29,000 से अधिक अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है। यह योजना दिल्ली, ओडिशा और पश्चिम बंगाल को छोड़कर 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। हाल ही में मोदी सरकार ने इस योजना का लाभ 70 वर्ष और उससे अधिक के सभी वरिष्ठ नागरिकों को भी दिया है। इससे लगभग 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को लाभ मिलने की उम्मीद है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के गरीब, जरूरतमंद और कमजोर वर्गों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @ARNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। जी, आकाशवाणी है। श्रीलंका में नेशनल पीपल्स पावर पार्टी के नेता अनुरा कुमारा दिसानायके ने आज 9वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह आज सुबह राष्ट्रपति सचिवालय में हुआ। श्री दिसानायके ने विपक्षी नेता साजिद प्रेमदासा को कड़े मुकाबले में हराया। एक रिपोर्ट। नेशनल पीपल पावर के नेता अनुरा कुमार दिसानायके ने 2 चरणों के मतगणना के बाद सामाजिक जनबल वेगया के नेता साजिद प्रेमदासा को 12 लाख से अधिक मतों के अंतर से हराया। श्री प्रेमदासा को तमिल अल्पसंख्यकों का सबसे अधिक वोट मिला, जबकि वामपंथी नेता को सिंहल बहुल क्षेत्रों में भारी समर्थन मिल पाया। चुनावी जीत पर बधाई देते हुए श्री प्रेमदासा ने कहा कि उनकी पार्टी लोगों के सामने आने वाले अहम मुद्दों को हल करने में अपना पूरा सहयोग देने के लिए तैयार है। वहीं निवर्तमान राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघा ने एक भावनात्मक संदेश में एनपीपी नेता को बधाई दी और श्रीलंका के लोगों को धन्यवाद दिया। अहमद मुईन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो। प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति चुनाव में जीत पर अनुरा दिसानायके को बधाई दी है। फिल्म निर्माता किरण राव की कॉमेडी ड्रामा फिल्म लापता लेडीज को श्रेष्ठ विदेशी फिल्म श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार 2025 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। भारतीय फिल्म महासंघ ने पुष्टि की है कि असमिया निर्देशक जाहनू बरुआ के नेतृत्व में 13 सदस्यीय समिति ने आमिर खान और किरण राव द्वारा निर्मित फिल्म के चयन पर एकमत से निर्णय लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में अमेरिका की प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ गोलमेज बैठक की। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने का आग्रह किया। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने निजी तौर पर बच्चों से संबंधित अश्लील वीडियो देखना पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत अपराध बताया।
श्रीलंका में नेशनल पीपल्स पावर पार्टी के नेता अनुरा कुमारा दिशा नायके ने आज 9वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली और किरण राव द्वारा निर्देशित फिल्म लापता लेडीज ऑस्कर 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।